सो वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली ऑल न्यू अपकमिंग स्क्रैम 411 के बारे में। रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, रॉयल एनफील्ड हर साल 4 न्यू मोटरसाइकिल को लॉन्च करेगा, तो इनमें से आपको स्क्रैम 411 का भी लॉन्च देखने को मिलेगा। रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने इसका नेम भी ट्रेडमार्क कर लिया है। इसको रॉयल एनफील्ड हिमालय के चेसी फ्रेम पर डिज़ाइन किया जाएगा, बट ये एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल होगा। काफ़ी हद तक ये बाइक इंस्पायर्ड होगा हिमालयन से। इस बाइक में आपको जो सिमिलर कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे वो इस बाइक में आपको इंजन, बॉडी पार्ट्स एंड फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, बट इसको स्क्रैम्बलर प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन किया जाएगा। हिमालयन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है ये, बट इस बाइक का प्राइस काफ़ी कम होगा। इसको आप हिमालयन स्क्रैम्बलर वर्जन भी कह सकते हैं। अभी स्क्रैम 411 की टेस्टिंग चल रही है एंड देखने में ये मोटरसाइकिल रेडी प्रोडक्शन स्टेजेस में लग रहा है। तो अगर हम रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 के चेंजेस की बात करेंगे, इस बाइक में आपको क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, फीचर्स इस बाइक के साथ क्या कुछ ऑफर करे जाएंगे एंड इस बाइक का इंडिया में लॉन्च कब होगा, डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है बाइक के रिलेटेड। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक्स की बात करेंगे तो फ्रंट में इसमें आपको राउंड शेप हेडलाइट मिल जाएगी विद शॉर्ट साइज फ्रंट मडगार्ड। फ्रंट व्हील के साइज इस बाइक में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू हिमालयन व्हील साइज के कंपैरिजन में एंड इसमें आपको स्लीक फ्यूल टैंक का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको रीडिज़ाइन न्यू टेल सेक्शन भी मिलेगा विद सिंगल सीट एंड इसमें आपको न्यू टेल लाइट भी मिलेगी विद वन पीस ग्रैब रेल। इस बाइक में आपको जो टायर देखने को मिलेगा वो ड्यूल पर्पस होगा, जिसके साथ इस बाइक को आप ऑन रोड एंड ऑफ रोडिंग भी इजीली कर पाएंगे एंड इसमें आपको लिफ्टेड हैंडल बार्स भी मिल जाएंगे विद राउंड शेप मिरर्स। अगर हम स्क्रैम 411 के फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको हॉलोजन हेडलाइट मिल जाएगी विद LED राउंड DRL एंड इसमें आपको स्पीडोमीटर के साथ ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाएगा एंड इस बाइक में आपको स्विचेबल ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर करा जाएगा। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स के साथ LED रेयर टेल लाइट भी मिलेगी। इस बाइक में आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी एंड इसमें आपको सिंगल सीट भी मिलेगी। अगर हम स्क्रैम 411 के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक एंड रेयर में इसमें आपको मोनोशॉक भी देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक का साइज फ्रंट में इसमें आपको 300mm डिस्क एंड रेयर में इसमें आपको 240mm डिस्क। अगर हम स्क्रैम 411 के स्पेसिफिकेशन एंड इंजन की बात करेंगे, इस बाइक में आपको सेम इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको हिमालयन में मिलता है। इस बाइक में भी आपको सेम इंजन मिलने वाला है। डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको 411cc का एयर कूल्ड इंजन मिलेगा एंड पावर इसमें आपको 24.3 HP की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा एंड टॉर्क इसमें आपको 32 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5-speed गियर मिल जाएंगे। सीट हाइट इस बाइक की 800mm की होगी, तो अगर आपकी मिनिमम हाइट 5'5" है आप इस बाइक को इजीली राइड कर लेंगे। फ्यूल टैंक इसमें आपको 15 लीटर का मिलेगा। अगर हम इस बाइक के ओवरऑल माइलेज की बात करेंगे, ओवरऑल माइलेज इसमें आपको 30 km/L के हिसाब से मिल जाएगी एंड टॉप स्पीड इसमें आपको 150 km/h के हिसाब से मिलने वाली है। अगर हम स्क्रैम 411 के फ्रंट एंड रेयर व्हील साइज की बात करेंगे, फ्रंट व्हील साइज इसमें आपको 19 inches एंड रेयर व्हील साइज इसमें आपको 17 inches का मिलेगा एंड इसमें आपको रेयर में एंड फ्रंट में स्पोक व्हील रिम्स मिलेंगे विद ट्यूब टायर्स। इस बाइक में आपको टोटली स्क्रैम्बलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको कंफर्टेबल सिंगल सीट भी मिल जाएगी। इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। ये बाइक काफ़ी परफेक्ट होगा ऑफ रोडिंग के लिए एंड इसमें आपको ड्यूल पर्पस टायर भी मिलेंगे। अगर हम स्क्रैम 411 के प्राइस की बात करेंगे, हिमालयन 411 का प्राइस 2,05,000 rupees जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट है एंड स्क्रैम 411 का प्राइस आपको 1,90,000 जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट होगा। तो इस बाइक का प्राइस कम रखा जाएगा 15,000 rupees एज कम्पेयर टू हिमालयन के कंपैरिजन में। अगर हम स्क्रैम 411 के लॉन्च की बात करेंगे, पहले आपको क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको नवंबर 2021 में स्क्रैम 411 का लॉन्च भी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।